हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा कुकरी क्लासेस। आज मैं आपके साथ मैंगो मस्तानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है। 1/3 कप शुगर है, 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड, 2 टेबलस्पून वाटर लिया है, पानी मेरा रूम टेम्परेचर में है, 1/4 TSP इलायची पाउडर। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में दूध गर्म होने के लिए रख देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध को आपको हमेशा इसे हिलाते ही रहना है, ताकि दूध नीचे ना लगे। जब तक दूध उबल रहा है, तब तक मैं कस्टर्ड में पानी डाल लेती हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कस्टर्ड ऐड करते टाइम आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, नहीं तो उसके अंदर लम्स आ जाएंगे। देखिए अब मैंने थोड़ा कस्टर्ड डाल दिया है। अब मैं थोड़ा हिला लूँगी। अब फिर मैंने फिर ऐड कर दिया कस्टर्ड। अब ऐसे करते हुए मैंने पूरा अपना कस्टर्ड उसमें ऐड कर दिया है और इसे लगातार हिलाती रहूँगी। अब दूध गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर। केसर आपका ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केसर डालने से आपको एक अच्छा सा अरोमा और एक अच्छा सा कलर आता है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इतना गाढ़ा चाहिए हमें। अभी हमारा दूध बिल्कुल गाढ़ा होकर रेडी हो चुका है। अब इस दूध को हम रूम टेम्परेचर में आने देंगे। उसके बाद हम इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए चिल्ड करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीजर में से आधा घंटा चिल्ड कर सकते हैं। देखिए दूध हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है और दूध मैंने 1 लीटर लिया था और अब ये मेरे 700 ml के करीब मेरे पास दूध बच गया है। मुझे इतना गाढ़ा करना है। ये है 1 कप प्यूरी, मतलब मैंने 2 मैंगो की प्यूरी बनाई है। यहाँ मैंने बादाम और पिस्ता यूज़ किया हुआ है, वनीला आइसक्रीम और ये मैंगो आइसक्रीम। ये आइसक्रीम मैंने घर में बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और अब इसमें मैं ये अपना दूध ऐड कर रही हूँ। इस पर ऐड कर रही हूँ मैं अपनी होममेड प्यूरी मैंगो की। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 स्कूप मैंगो आइसक्रीम के, मतलब लगभग ये आपके 200 ml के करीब होगी। ये पूरी रेसिपी से आपके 4 बड़े ग्लास रेडी हो जाएंगे। अब मैं वनीला आइसक्रीम भी ऐड कर रही हूँ। ये भी मैं 2 स्कूप डाल रही हूँ, ये भी 200 ml के करीब है। आप इसे ऐड कर देंगे। अब मैं इसे मिक्सी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि मिक्सी में आपको जब भी इसको मिक्स करना है तो पल्स दे के चलानी है, ताकि स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर इसका बना रहे। अभी अच्छे से मिक्स हो गई है, मैं इसे ग्लास में डाल लूँगी। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 स्कूप मैंगो आइसक्रीम के। अब इसे गार्निश करने के लिए मैं इसमें पिस्ता और बादाम डाल दूँगी। अब हमारी मैंगो मस्तानी तैयार हो गई है, अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। अगर इस रेसिपी को लेकर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।